तो दोस्तों, जिन माता और बहनों का जो होता है गर्भ गिर जाता है, 1 से 2 महीने के बाद ही उनका गर्भ ठहरता नहीं, गिर जाता है। तो दोस्तों, उन माता और बहनों को खासकर ये रहता है कि उन्हें किसी की नज़र लग जाती है, जिसकी वजह से, या फिर किसी का श्राप हो जाता है, या फिर किसी का दोष हो जाता है, जिनकी वजह से उनका गर्भ जो होता है वो ठहरता नहीं। तो यह दोष मुक्त करने वाला होता है अपामार्ग, भगवान शिव को चढ़ाने वाला होता है अपामार्ग की जड़। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, पुष्प नक्षत्र या फिर सुबह के समय में 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में इसकी जड़ को आपको लेकर के आ जाना है। शुद्ध गंगा जल डाल करके, नर्मदा जल डाल करके आपको जो तिलक वंदन करने के बाद इस जड़ को, जिन माता और बहनों को गर्भ नहीं ठहरता, गर्भ गिर जाता है, उन माता और बहनों की अगर कमर पर अगर काले धागे के साथ में आप बांध देते हैं तो यकीन मानिए उनका गर्भ जो होगा वो दोबारा नहीं गिरेगा और उनको जो है संतान का सुख मिल जाता है। तो इसको संतान देने वाली माता गौरी का आशीर्वाद माना जाने वाला यह अपमार्ग होता है। इसलिए तीज में आपने देखा होगा कि जो हमारी माता और जो बहनें जो होती हैं, वह जो होती हैं, इसके तीज व्रत जो होती है इसी से शुरुआत करती हैं, इसी की दातुन से ब्रश करने के बाद ही उनका व्रत जो होता है शुरू होता है। तो यह हो गया इसका। दोस्तों, इसकी दातुन को करने के बाद अगर आप इसके रस को अगर पेट के अंदर ले लेते हैं तो यह आपके पेट में जो कृमि हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, उन कीड़ों को नाश करने वाला होता है, आपके शरीर में भूख बढ़ाने वाला होता है, आपकी पेट की छोटी आंत बड़ी आंत को मजबूत करने वाला होता है, आपके शरीर में अम्ल अगर ज़्यादा बन रहा है तो इस अम्ल को कंट्रोल करने का कार्य यह औषधि पौधा करता है अपामार्ग। जो लोग शुगर के रोगी हैं, जिन लोगों को शुगर की शिकायत रहती है, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि इंसुलिन लेने तक की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उन शुगर के रोगियों के लिए भी अपामार्ग जो होती है काफ़ी फायदेमंद औषधि मानी जाती है। वो लोग अगर सुबह के समय में अगर इसकी एक पत्ती को तोड़ करके पानी में डाल करके 1 से 1.5 घंटे अगर रख देते हैं और उसके बाद उस पानी को यह पी लेते हैं, ठंडे पानी को पी लेते हैं, तो दिन भर उनका जो होगा रक्त शर्करा ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, शुगर उनका जो होगा हमेशा कंट्रोल में ही रहेगा, जिसकी वजह से उनको इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक कि मैंने देखा, आजमाया हुआ है कि काफ़ी सारे लोग, जिन लोगों को मैंने यह घरेलू नुस्खा बताया था, वो लोग से इसका इस्तेमाल करने के बाद वो लोग तो शुगर की दवाइयाँ भी लेना भी बंद कर चुकी है। धीरे धीरे उनका शुगर जो होगा 200-300 से जो ऊपर जाता था उनका, तो शुगर लेवल भी उनका हमेशा कंट्रोल में ही रहता है। महीने में 2 दिन में 3 दिन में जब भी वो चेक कराते तो उनका शुगर लेवल जो होता है कंट्रोल में ही मिलता है। तो डॉक्टर भी कहता है कि भाई ऐसा क्या कर रहे हो, और को भी बताइए। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूँ, शुगर के रोगियों के लिए भी यह जो पौधा होता है अपामार्ग चिरचिरा जो होता है काफ़ी फायदेमंद होता है। जिन लोगों के चेहरे की जो स्किन होती है, जो स्किन जो होती है काली काली से होने लग जाती है, खासकर न्यू बॉर्न जो मामा मम्मी बनती हैं, मतलब जो माता और बहनें जो होती हैं, जो फर्स्ट टाइम में उनके जो गर्भावस्था रखती हैं, तो गर्भावस्था के समय आपने देखा होगा कि उनकी जो होती है यहाँ पर काली काली सी झाइयाँ पड़ने लग जाती हैं, और उनके बहुत सारे अंडर आर्म्स भी जो होते हैं वो काले काले से हो जाते हैं। काफ़ी ऐसी जगह होती है जिन जगहों पर यह जो होता है मेलानिन नामक, जो गर्भावस्था में मेलानिन नामक जो होता है तत्व जो होता है, रसायन जो होता है, जिसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें ब्लैक स्पॉट आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो माता और बहनें जो होती हैं, अगर इसके पत्ते को अच्छी तरीके से इसका रस निकाल करके कपड़े की सहायता से अगर वो इस प्रकार से अगर वो लगाती हैं तो उनका जो होगा ये ब्लैक स्पॉट नहीं पड़ेगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, इनका ब्लैक स्पॉट और दाग भी नहीं छोड़ेगा। साइड में जो स्ट्रेच मार्क्स पड़ने लगते हैं उनके पेट में, वो स्ट्रेच मार्क्स भी नहीं पड़ते अगर वो माता और बहनें इसका इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, वैसे अपामार्ग जो होता है आसानी से कहीं भी आपको देखने को मिल जाती है, आपको घबराना नहीं है, सफ़ेद हो चाहे लाल हो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भावस्था में इसका रस पीना जो होता है वो नुकसानदायक होता है, सिर्फ आप दातुन ही इसके ब्रश से कर सकते हैं, इसके दातुन ही कर सकते हैं, इसके तने से। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कि अपामार्ग और चिरचिरा जो होता है हमारे दांतों के साथ साथ में हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा करके सब्सक्राइब हो जाइए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, जिससे आपको हमारे और भी आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी आयुर्वेदिक पौधे और उसके उपचार के साथ में। तब तक इजाजत दीजिए, हर हर महादेव दोस्तों।